दीदी आ गई, दीदी आ गई। नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूलकुमारी दीदी। आज यहाँ इतना शोर क्यों है? दीदी, मीना ने मेरी पेंसिल तोड़ दी। नहीं दीदी, मैंने नहीं तोड़ी। दीदी, मैंने खुद देखा, टूटी पेंसिल मीना के ही हाथ में थी। अगर पेंसिल मीना के हाथ में थी तो क्या जरूरी है कि उसी ने पेंसिल तोड़ी? आपने उसे पेंसिल तोड़ते देखा क्या? नहीं दीदी, तोड़ते तो नहीं देखा, पर। तो फिर चलो एक कहानी सुनाकर समझाती हूँ। कहानी सुनाओ दीदी। कहानी का शीर्षक है मुन्ने का रखवाला। वाह, शुरू करो। सुनो, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान न थी। रमा ने मन बहलाने के लिए एक नेवले का बच्चा पाल लिया था और उसका नाम रखा था गबरू। गबरू बड़ा समझदार और स्वामी भक्त था। रमा को भी गबरू बहुत प्रिय था और उसे घर में घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी। कुछ समय बाद किसान के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। तो किसान ने रमा से कहा, अब तो हमारे घर में संतान हो गई है, गबरू भी बड़ा हो गया है, कहीं ऐसा न हो कि ये मुन्ने को काट ले, क्यों ना मैं इसे जंगल में छोड़ आऊं। रमा को गबरू बहुत प्रिय था, इसलिए वह इस बात के लिए राजी न थी। समय बीतता रहा। एक दिन किसान खेत पर काम करने गया हुआ था और रमा को कुएं से पानी भरने जाना था। मुन्ना घर में सो रहा था। रमा ने गबरू से कहा, मैं तालाब से पानी लेकर आती हूँ, तुम मुन्ने का ध्यान रखना। गबरू ने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिलाया और मुन्ने के चारों ओर घूमता रहा। कुछ ही देर में एक बड़ा काला सा सांप मुन्ने के पास आ गया। सांप तो नेवले का जानी दुश्मन होता है, पर फिर भी गबरू अपनी जान की परवाह किए बिना सांप से भिड़ गया। काफी देर तक लड़ाई चलती रही और अंत में गबरू ने सांप को मार दिया। गबरू का पूरा मुंह सांप के खून से सन गया। गबरू घर के बाहर बैठकर रमा का इंतजार करने लगा। कुछ देर में जब रमा घर लौटी तो उसने गबरू का खून से सना मुंह देखा और घबरा गई। उसे किसान की कही बात याद आई और उसने सोचा कि जरूर गबरू ने मुन्ने को काट लिया है। उसे गबरू पर जोर का गुस्सा आया और बिना विचारे पानी से भरा हुआ घड़ा गबरू पर पटक कर मुन्ने के पास दौड़ी। बेचारे नेवले के तो प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वो मर गया। परंतु अंदर पहुंचकर रमा ने क्या देखा? कि मुन्ना तो आराम से सो रहा है और मोटा काला सांप खून में लथपथ मरा पड़ा है। हाँ, यह देखते ही रमा को सारा माजरा समझ आ गया कि असल में गबरू ने तो मुन्ने की जान बचाई थी और वो खून मुन्ने का नहीं, काले सांप का था। यह देखकर रमा को बहुत पछतावा हुआ। बिना पूरी बात जाने प्रतिक्रिया करने से उसने अपने ही प्रिय और वफादार नेवले को जान से मार दिया। ये तो बहुत बुरा किया। तो बताओ, आपने इस कहानी से क्या सीखा? किसान की बात से रमा के मन में शक पैदा हुआ और उसी बिना पर पूरी बात जाने बिना अपना मन बना लिया कि गबरू ने मुन्ने को काट लिया है। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया कर रमा ने ऐसी भूल कर दी जिसे अब वह चाहकर भी न सुधार पाएगी। बिल्कुल ठीक। तो अब बताओ, तुम्हारी पेंसिल किसने तोड़ी? दीदी, पेंसिल मीना के हाथ में थी तो सही, पर वह कह रही है उसने नहीं तोड़ी तो नहीं तोड़ी होगी। मैं रमा की तरह बिना सोचे प्रतिक्रिया कर अपनी दोस्त नहीं खोना चाहता। बहुत अच्छे। इसी तरह कहानियों की सीख अपने जीवन में उतारोगे तो बहुत तरक्की करोगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वर्ग में फिर मिलेंगे। जय मां भारती। जय मां भारती।